माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंट्रोपी पर। देखिए क्या है एंट्रोपी, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, एंट्रोपी जिसे कैपिटल एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट फंक्शन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था फलन है जिसे प्रपोज्ड किया था और क्लेसियस ने, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या है? स्वतः प्रवर्तिता। माय डियर, कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, यानी प्रकृति में, नेचर में कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जो स्वतः ही होते रहते हैं। इस तरह के प्रक्रमों को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि स्वतः प्रकृतित प्रक्रम हम उनको कहते हैं। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी गैसों को जो भी स्थान उपलब्ध होता है वह उसमें एक समान रूप से फैल जाती हैं। कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। जैसे फ्लो ऑफ रिवर, देखिए माउंटेन से या समुद्र की ओर क्या होता है, रिवर स्वतः ही बहती रहती है। या जो फ्लो ऑफ वाटर है, आप देखें हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जो है अपने आप बहता रहता है स्वतः ही। फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो आप देख सकते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर, जो हॉट सब्सटेंस है उससे कोल्ड सब्सटेंस की ओर अपने आप ही फ्लो होता रहता है। ऑस्मोसिस, परासरण की क्रिया, ये ऐसे बहुत सारे प्रक्रम हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, यानी कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। ठीक है, तो ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों की होने की जो प्रवृत्ति है, जो उनकी नेचर है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, यानी कि स्वतः प्रवर्तिता। ठीक है, माय डियर, इट इज प्रूव्ड दैट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंप्लीटली, यानी कि जो हीट है वो 100% वर्क में कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, वो उसमें वर्क में कन्वर्ट होती नहीं है। जो भी थर्मल इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो दक्षता है, वो किसी भी कंडीशन में 100% नहीं होती है। किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है? जब टेम्परेचर इज सिंक 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर किसी भी कंडीशन में, देखिए कोई भी फ्यूल जब बर्न हो रहा है तो मान लीजिए पेट्रोल का बर्निंग हो रहा है, हाइड्रोकार्बन है, बर्न होगा CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो भी थर्मल इंजन है वो उसे कंप्लीटली 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये एक क्वेश्चन यहां पे उत्पन्न हो जाता है कि वेयर इज द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क, वो भाग एनर्जी का, ऊर्जा का गया कहां, क्योंकि एनर्जी नष्ट तो होती नहीं है, लेकिन वो कहां जाता है? तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इस प्रकार की जो प्रक्रम है, जिन्हें एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशंस के, जैसे कि ऊष्मा अनुकूलन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए एंट्रोपी टर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो एंट्रोपी एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दोज प्रोसेस विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन, यानी ऊष्मा अनुकूलन द्वारा जिन प्रक्रमों का हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उन प्रक्रमों की व्याख्या करने के लिए हम टर्म एंट्रोपी को यूज करते हैं, जो एक स्टेट फंक्शन है जो अवस्था पर डिपेंड करता है। क्या है एंट्रोपी?
आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का जो एंट्रोपी है इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्था। एंट्रोपी किसी भी निकाय, किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था की माप है, एसोसिएटेड विद इट। यानी कोई भी निकाय कितना अव्यवस्थित है, उसमें डिसऑर्डरनेस कितनी है, रैंडमनेस कितनी है, यह एंट्रोपी द्वारा मेजर्ड किया जाता है। एंट्रोपी इसको एक्सप्लेन करता है कैसे। मोर डिसऑर्डर सिस्टम, अगर बहुत अधिक अव्यवस्थित सिस्टम होगा, हैव हायर एंट्रोपी। यानी कोई सिस्टम जितना अधिक अव्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। व्हाइल ऑर्डर्ड सिस्टम, यदि कोई सिस्टम व्यवस्थित है तो उस व्यवस्थित सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, लेस। एक अधिक व्यवस्थित सिस्टम की एंट्रोपी कम होगी और एक अव्यवस्थित सिस्टम की एंट्रोपी अधिक होगी, ठीक है। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एंट्रोपी क्या है, एक अवस्था फलन है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम। यह केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम की जो वास्तविक एक्यूरेट एंट्रोपी है उसका कैलकुलेशन संभव नहीं है कि वह कितना अधिक अव्यवस्थित है। ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम उस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को हम मेजर्ड कर सकते हैं। बट थर्मोडायनामिक्स के दृष्टिकोण से इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी भी नहीं है। केवल क्या आवश्यक है, एंट्रोपी चेंज, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी इंक्रीज हो गया या एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। मान लीजिएगा एक सिस्टम ए है और यह सिस्टम बी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम ए की जो एंट्रोपी है उसे हम मान लेते हैं एस इनिशियल, यानी एस प्रारंभिक, ठीक है। एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंट्रोपी को। जब ये कन्वर्ट हो जाता है सिस्टम बी में तो इसकी एंट्रोपी मान लेते हैं एस फाइनल, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा एस होगा, ठीक। डेल्टा एस क्या होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, यानी जो अंतिम एंट्रोपी है उसमें से प्रारंभिक एंट्रोपी को माइनस कर देंगे। यदि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी एस फाइनल इज ग्रेटर देन एस इनिशियल, यानी एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो गई है सिस्टम की ए से बी में परिवर्तन पर तो ये वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। और एस इनिशियल ग्रेटर होगा एस फाइनल से, यानी एंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी डेल्टा एस की, नेगेटिव होगी, ठीक। यदि मान लीजिएगा एस इनिशियल की वैल्यू अधिक है और एस फाइनल की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अधिक व्यवस्थित निकाय में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव होगा। डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑर्डर्ड हो गया, और डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है तो मान लीजिएगा जो डिसऑर्डर है वो और इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस एंट्रोपी चेंज ये इंडिकेट करता है, ये प्रदर्शित करता है, ठीक। अब क्या मैथमेटिकल फॉर्म है एंट्रोपी की, जो एंट्रोपी है वो मैथमेटिकल एंट्रोपी चेंज, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन, इज अ रेशियो ऑफ हीट चेंज। कैसे प्रोसेस में, एसोसिएटेड विद एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस।
तापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो हीट चेंज है, जिसे क्यू रिवर्सिबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका और द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस अकर, उस टेम्परेचर उस ताप का अनुपात है जिस ताप पर वह प्रक्रम हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू होगा क्यू जो हीट चेंज हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और टी कैपिटल टी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वह चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यूनिट किस प्रकार से रखते हैं, ये तो हीट है और ये टेम्परेचर है, तो ये कैलोरी हो गया और टेम्परेचर केल्विन में हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब जो एंट्रोपी है ये बहुत ही विस्तृत गुण है, तो इसलिए सुविधा के लिए इसे परमोल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी है कैलोरी पर मोल पर केल्विन और जूल पर मोल पर केल्विन में एंट्रोपी चेंज रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोसेस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फेज चेंज पे, प्रावस्था परिवर्तन पर, कहां एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, कहां एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट, क्योंकि गैसियस स्टेट में जाएंगे तो अब अवस्था ज्यादा होगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, वो बहुत अधिक व्यवस्थित नहीं होंगे। तो गैसियस स्टेट में अगर कोई भी सब्सटेंस जाता है तो उसकी जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है। गैस से जब उसे लिक्विफाइड कर देंगे, यानी वो लिक्विड में परिवर्तित हो गया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं कैन नॉट फ्री मूव, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उसके सरफेस को जो लिक्विड है उसको इजीली जो है वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो गैसियस स्टेट है उस गैसियस स्टेट से अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, अगर लिक्विड को आप फ्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, जो मोबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट सीक्वेंस, एक निश्चित क्रम में वह व्यवस्थित हो जाएंगे। तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी क्या होगी, और कम हो जाएगी। तो ठोस की एंट्रोपी सबसे कम होगी, द्रव की उससे अधिक होगी और गैस की उससे भी अधिक होगी। ठीक है, इसीलिए जो फेज चेंज है, यदि मान लीजिए मेल्टिंग पिघलने की क्रिया हो रही है तो सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ एंट्रोपी इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि आप किसी सॉलिड को अगर टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को जो है आप टेम्परेचर देंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी एंट्रोपी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी सीधे सीधे उसके समानुपाती है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आप देखेंगे ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग, जब हम अंडे को बॉइल करते हैं इट बिकम्स हार्ड, क्या हो जाता है, अंदर से कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आपके हिसाब से यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, एंट्रोपी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब जो एग है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कैसे मिलकर बना होता है, पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं उसमें, क्या होते हैं, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स, फिर डाइपेप्टाइड्स, फिर पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और फिर मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन एक डेफिनेट उसकी जो है स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम जो है प्रोटीन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, या उसमें कोई एसिड मिला देते हैं, या कोई बेस मिला देते हैं, अम्ल क्षार मिलाने पर, या फिर प्रोटीन को गर्म करने पर प्रोटीन क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, जो सिस्टम है, जो सीक्वेंस है, जो व्यवस्था है वो टूट जाती है, यानी प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, विकृत हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है।
इसलिए यहां पर जो है इस प्रोसेस में आप याद रखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, व्हेन नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, यदि किसी रिएक्शन में किसी प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो गए, तो पहले एक मोल था अब दो हो गए, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, दो है तो चार हो गए, तो क्या हो गया, अव्यवस्था बढ़ेगी। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन आप देख सकते हैं 2KCl3। ठीक, अगर टोटल मॉलिक्यूल यहां रिएक्टेंट के काउंट करें तो दो मॉलिक्यूल हैं, आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या बन रहा है 2KCl+3O2, यानी तीन मोल ऑक्सीजन बन रहा है, दो मोल क्या बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड, 3 और 2 5 5 मोल बन गए, दो मोल पहले थे कितने हो गए 5, तो क्या हुआ रैंडमनेस इंक्रीज हो गया, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा। व्हेन गैसेस कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तो यहां पहले ही हम बता रहे हैं कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगा। अगर ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं या गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीली मूवेबल जो उनकी स्थिति है वो समाप्त हो जाती है, वो इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडमनेस क्या होगी वहां पे, कम हो जाएगी, यानी NH3 गैस प्लस HCl गैस, ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है NH4Cl सॉलिड। तो वैसे भी नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, एक मोल अमोनिया है, एक मोल हाइड्रोजन क्लोराइड है, दो मोल हो गए रिएक्टेंट और एक मोल बना अमोनियम क्लोराइड, तो जब मोल 2 से 1 हो गया तो वैसे ही आप देखेंगे एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। ठीक, तो मोल के अकॉर्डिंग भी डिक्रीज हो रही है और ये दोनों गैस हैं और गैस से क्या बना सॉलिड बना, तो उस कंडीशन में भी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओके।